नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुंबई पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए अर्नब के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। मुंबई पुलिस ने शनिवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता रजा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सचिव इरफान अबूबकर शेख के मुताबिक चैनल और अर्नब ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणा पैदा की। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने सबूत के लिए शो के फुटेज जुटाए हैं। गुजरात में IFSC मुख्यालय बनाने का फैसला अनुचित। NCP प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थापित करने के केंद्र के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा, यह फैसला अनुचित है, इसके लिए मुंबई स्वाभाविक पसंद है। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में अकेले महाराष्ट्र का डिपॉजिट 22.8% है, जबकि गुजरात का 5.4% है। ग्रीन जोन घोषित होने के बाद कई बाहरी राज्यों के लोग गोवा आना चाहते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि कई बाहरी राज्यों के लोग गोवा आना चाहते हैं क्योंकि राज्य को ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, मैं स्थानीय लोगों से अपील करता हूँ कि वे सरकार को सूचित किए बिना किसी बाहरी को आश्रय न दे। बाहरी लोगों को अति आवश्यक होने पर ही प्रवेश मिलेगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।